औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब है मा अनज़लल्लाहु फ़ी अहलल बैती मिनल कुरआन। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और जनाब हमारे यासिर से मुलाकात हो गई एक गली में, रिवायत करते हैं रास्ते में मिला और मैंने पूछा कि रसूल खुदा के हबीब हमारे आका व मौला हजरत कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो जनाब हमारे यासिर ने कहा वो तो मस्जिद में बैठे हुए अपने असहाब के साथ, लोगों के साथ मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए। ये जो जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, ये जो हमारे यासिर हैं, ये हैं अली के ग़ुलाम, अली के आशिक। इनका तذکرہ मुहिबान अहले बैत ही करेंगे, और ये हैं वफादारान रसूल। भाई इनका तذکرہ वो मुसलमान थोड़ी करेंगे कि जो अली से जंगें करने वालों की बातें करते हैं, तذکرے करते हैं। अली से जंग करने वालों को जो जो अच्छा समझते हैं, वो अली के दुश्मनों का जो तذکرہ कर रहे हैं, वो हाक अली के दोस्तों का तذکرہ करेंगे, अली के गुलामों का, आशिकों का तذکرہ करेंगे। बहरहाल नामूसे सहाबा का वो नारा लगाना आसान है, लेकिन खुद जो है वो नामूसे सहाबा, सहाबा की इज्जतों में, सहाबा के हक में हक तलफियां खुद करते हैं, खुद नहीं वफादारान रसूल खुदा जो बेहतरीन आला तरीन साहब, उनका तذکرہ तो करते ही नहीं। हर जिनमें सूरह मुनाफिकून की पूरी निशानियां होती हैं, उनके तذکرے करते जाते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, और वो ऐसे हैं। बहरहाल बात उधर 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 ना निकल जाए। तो अब चलने लगे हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला मस्जिद की तरफ। कहा कि हमारे यासिर ने, जाबिर सुनो एक अजीब बात हो गई आज, मौजजा हो गया, आंखों ने अजीब मंजर देखा और कानों ने आज तो अजीब ही कलाम सुना है। कहा कि जल्दी बताओ क्या हुआ है। कहा कि आज जो है वो बादस नमाज फजर, जब नमाज फजर तमाम हुई, हमने नमाज फजर जो है रसूल खुदा के पीछे अदा की। रसूल खुदा ने नमाज के बाद अली को पास बुलाया और अली की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। याद रखो ये सुन्नत आला, सुन्नत मुअक्कदा है, रसूल खुदा की हसरत है अली की आंखों के दरमियान बोसा देना, चूमना। तो अब ये सुन्नत कैसे पूरी हो? आप कहेंगे कि अली तो नहीं है तो अब ये सुन्नत नहीं पूरी होगी। अब मिसाल दे देता हूं, हजरे अस्वद के बारे में सारे मुफ्तियाने दीन का फतवा है जो करीब ना पहुंच सके, अरे जिसकी नजर भी नहीं पड़ रही, बहरहाल जिधर वो है उधर इशारे से सलाम कर लो, सलाम हो जाएगा, इशारे से चूम लो, बोसा हो जाएगा, वो तो हजरे अस्वद है, अली तो फहरे हजरे अस्वद है। तो अब अली को भी दूर से सलाम करोगे, सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, नजब की तरह मुंह करके कहो ना, सलाम हो जाएगा, बोसा दो, बोसा भी हो जाए, हमारा बोसा। रसूल खुदा तो अली की आंखों के दरमियान चूमते थे, अरे हमारा बोसा अली के कदमों पर ही हो जाए और हो जाएगा, कहो सलाम के बाद या अमीर अल मोमिनीन, बोसा दे रहा हूं आपके कदमों पर, हो जाएगा। और उनके कदमों पर हमारा बोसा अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो बस इससे बड़ी सआदत ही कोई नहीं। अब अली जो है रसूल खुदा के पास इतना करीब बैठ गए कि दोनों भाइयों के हैं, इमामुल अंबिया इमामुल औलिया के, दोनों के घुटने आपस में मस हो गए। कुछ रातों ने आज की बातें की और फिर कहा कि अली उठो उठो, जरा सूरज से बात करो, वो भी तुमसे बात करना चाहता है। अली सूरज से गुफ्तगु करो, सूरज भी तुमसे गुफ्तगु करने का मुतमन्नी है। अली उठे हैं और ये मंजर देखकर, ये बात सुनकर ताजुब करने वाले ताजुब करने लग गए, हैरान होने वाले हैरान होने लग गए। और वो जो अली से दुश्मनी और बुग़्ज़ कीना रखते हैं हासिदीन, वो मुनकरीन, वो तो मरने ही लग गए, मर ही गए और आपस में चेमुगोइयां करने लगे कि रसूल खुदा तो जो हैं वो अली मुर्तजा के नाम को बुलंद करने में ही लगे रहते हैं। जिसका नाम और जिक्र अल्लाह और रसूल अल्लाह बुलंद रखें, वो बुलंद तरीन, और जो उस बुलंद तरीन हस्ती अली का दुश्मन हो वही पस्तरीन गंदा रिज्स है वो। बहरहाल अली उठे और कहा, सूरज को कहा अली ने, मौला आएगा कैफा अस्बखता या हलक अल्लाह, कैफा ए अल्लाह की महलू कैसे हो और सुबह कैसे की। अरे लोग तो कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, लोग तो कहते हैं ना सुबह बहर। अली ने जो कलाम किया है ये जो जो है ना कि सुबह कैसे की,
ये अली ने बताया है आधा, वो सूरज से गुफ्तगू करके सूरज ने जवाब दिया बहर। और जैसे कोई गुलाम कह रहा हो, जैसे कोई अली का मोमिन कर, मौला हैरियत से हूं मौला, आपका करम है, आपकी नजर करम है, आपकी दुआ हैरियत से मौला, चमक रहा हूं दमक रहा हूं, ऐसा ही है ना। हजूर आली जवाब में ये कहा और फिर कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेका या अव्वलो या आहिरो, अस्सलाम वालेका या जाहिरो या बातिन, अस्सलाम वालेका वमन हुआ बेकुल शैन अलीम। सूरह ने क्या कहा, हैरियत से मौला सलाम हो आप पर, आप अव्वल भी हैं आहर भी हैं जाहिर भी हैं बातिन भी हैं, और सलाम हो आपकी ज़ात अकदस पर, वो ज़ात अकदस जो हर शय का इल्म रखती है। अब रसूल खुदा ने कहा अली मेरी जान मेरे अजीजम मेरी आंखों की ठंडक मेरे दिल की धड़कन, अली पता है सूरज ने तुम्हें अव्वल क्यों कहा, इसलिए कि अली तू पहला है जिसने अल्लाह पर ईमान का इजहार किया है। और पता है आहिर क्यों कहा है, इसलिए कि अली तू आहिर तक मेरे साथ यूं रहेगा कि मेरे गुस्लो कफन का भी तू ही एहतमाम करेगा और मेरी तजहीजो तदफीन तक तू मेरे साथ रहेगा शरीक रहेगा। रसूल का ये कहना कि अली आहर तक यूं मेरे साथ शरीक रहेंगे, तो फिर पता चल गया कि कुछ ऐसे भी थे कि जो शरीक नहीं थे नहीं रहेंगे। बहरहाल बात आगे बढ़ी, अली पता है, अली तो जानते ही हैं सूरज ने तो पहले बता दिया हर शय का इल्म रखने वाला, लेकिन उम्मत को बताना है असहाब को बताना है, बात आगे बढ़ानी है। ये पता है सूरज ने तुम्हें जो है वो जाहिर क्यों कहा है, इसलिए जाहिर कहा है कि मेरे जो इल्म के राज हैं ना वो अली तुम पर आश्कार हैं। और ये सूरज ने अली तुम्हें बातिन कहा है ना, तो मेरे जो इल्म को है वो संभालने वाला और अपने बतन में रखने वाला फकत अली तू है। और अली मेरे भाई ये जो सूरज ने कहा है ना कि हर चीज़ का इल्म रखने वाली ज़ात तुझ पे सलाम, पता है क्यों कहा है सलाम इस तरह क्यों किया, इसलिए कि अली तू ही है कि जो कुरान की हर आयत का आलिम है और जानता है कि कुरान में नासिख आयात कौन सी हैं और मनसूख आयात कौन सी हैं, कुरान की तंजील क्या है और कुरान की तावील क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है, और कुरान में हुक्म क्या है और कुरान की जो है वो मोहकम आयात कौन सी हैं और मुतशाबा आयात कौन सी हैं। अली फकत तू ही जानता है, ये सारा कुछ जानता है अली, तू आलिम है हर मुश्किल से, तू अरे मुश्किल से मुश्किल कुछ आ ही वाकिफ होगा ना, हर मुश्किल का हल तू जानता है अली ये कहा। और अली अगर मुझे मैं जानता ना होता, अली रसूल तो जान, अली अगर मैं ना जानता होता, खुदा की कसम मैं तेरे वो फजाइल पढ़ता, मैं तेरे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं नहीं पढ़ रहा, रसूल खुदा कह रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे पता है ये उम्मत जो है वो नसारा की तरह तुझे भी ईसा की तरह खुदा मान लेगी, जो नसारा ने ईसा को खुदा कह दिया अल्लाह कह दी, लेकिन अगर मैं वो फजाइल बयान कर दूं कि जो अल्लाह की तरफ से मैं मोहम्मद अली तेरे लिए जानता हूं, अगर मैं वो फजाइल बयान कर दूं, वो मनाकिब बयान कर दूं, वो राज बयान कर दूं, वो बुलंदी वो मर्तबा तेरा बयान कर दूं अली, तो ये जो लोग हैं ना मुसलमान हैं मोमिनीन हैं उम्मत है ये तेरे कदमों की हाक लेके उसे हाके शिफा बनाकर उस पर सजदा करने लग जाएं। वस्सलाम मौला अली मद।